वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज हम बात करेंगे रेलवे एग्जाम 2024-25 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, इन तीनों पोस्टों के लिए आपने एग्जाम डेट देख ली होगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे एडमिट कार्ड कब से और एनटीपीसी एग्जाम डेट लगभग तय है। अब ये रहेगा मास्टर प्लान, इन सभी टॉपिक्स पर हम गहन चर्चा करेंगे। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन का निशान मिलेगा उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें, देखिए सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट है वह यही रहता है कि सर एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो देखिए इससे पहले आपको दो समीकरण समझनी होंगी। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले 10 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी क्लियर किया जाएगा कि जो है सर आपका एग्जाम इस जिले में रहेगा, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड से 10 दिन पहले ये प्रोसेस रहता है। अभी जितने भी रेलवे के एग्जाम पिछले वर्षों में हुए हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले आपका 10 दिन पहले एग्जाम सिटी क्लियर किया जाएगा। उससे 3 दिन पहले, एग्जाम से 3 दिन पहले आपका 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रेलवे जो है क्लियर करता है, आपका जारी करेगा, वो भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। और कैसे डाउनलोड करना होगा, वो डेट आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद तुरंत आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए जो आरपीएफ एसआई भर्ती वाले हैं उनका 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यानी कि 4 दिन एग्जाम चलेगा, तो देखिए एग्जाम जो रहेगा एक दिन में 3 पालियाँ होंगी। आप ये ना सोचें कि 2 पालियाँ होंगी, एक दिन में आपकी 3 पालियों में एग्जाम होगा और एक पाली का जो समय रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखिए पिछले 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी एक दिन में आपकी 3 पालियाँ कंप्लीट हुई थी। जो आपने गैस पेपर लिए हैं, बुक्स लिए हैं, उन पर पहली ग्राफ बना दिया है जिससे जो आपको देखने को मिल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कितनी पालियों में हुआ है। देखिए एडमिट कार्ड की बात करें तो अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के मध्य रहने वाला है तो जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 25 से 27 नवंबर के मध्य आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड की डेट है, इन्हीं डेटों में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब आप कहेंगे सर ये फेक न्यूज़ है। देखिए जो भी मैंने एनालिसिस किया, मैंने बताया था कि पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम होगा, टेक्नीशियन का होगा और आरपीएफ का, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस निकल कर आया और अब भी यही प्रोसेस रहेगा। एडमिट कार्ड जो 3 से 4 दिन पहले जारी होगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। देखिए एनटीपीसी के लिए जैसे कोई अपडेट निकल कर आती है एग्ज़ाम के बारे में वो बता देंगे, लेकिन आपका एनटीपीसी का जो एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है वो लगभग अप्रैल 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। मार्च अप्रैल के अप्रोक्स आपका ये एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले आपका आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए एग्ज़ाम जनवरी 2025 में लगभग फर्स्ट वीक में ही करा लिया जाएगा। तो देखिए इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर